श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। श्री लक्ष्मी नारायण कृपा चरण दिखते रहिए। विष्णु पुराण भी शुरू हो रहा है तो उसका जो कुटस्थ है उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। हरिओम नमो, हरिओम नमो, हरिओम। श्री विश्वपाल दूसरा अध्याय 24 तत्वों के विचार के साथ जगत के उत्पत्ति क्रम का वर्णन और विष्णु भगवान की महिमा। श्री पराशर ऋषि बोले, जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण है तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रस सर्वविजयी भगवान वासुदेव विष्णु को नमस्कार है, जो एक होकर भी नाना रूप वाले स्थूल सूक्ष्मय है, अव्यक्त कारण एवं व्यक्तक रूप है तथा मुनियों मुक्ति के कारण है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो विष्णु विश्वरूप प्रभु विश्व की उत्पत्ति स्थिति और संहार के भगवान है। मूल कारण रूप उन परमात्मा विष्णु भगवान को नमस्कार करता हूँ, जो विश्व के अधिष्ठान है, अति सूक्ष्म सूक्ष्म है, सर्व प्राणियों में स्थित पुरुषोत्तम है और अविनाशी है, जो परमात्मा है। परमात्मा तो वास्तव में अति निर्मल ज्ञान रूप है किंतु अज्ञान व तना पदार्थ रूप से प्रतीत होते हैं तथा जो काल रूप से जगत की उत्पत्ति वो स्थिति में समर्थ है एवं उसका सहार करने वाले हैं, उन जगदीश्वर जन्मा अक्षय अव्यय भगवान विष्णु को प्रणाम करके तुम्हें वर छाया सत्प्रसंग सुनाता हूँ, जो दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठों के पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुत्र को सुनाया था तथा पुत्र ने सारस्वती और सारस्वत ने मुझसे कहा था, जो पर प्रकृति से भी पर परमेश श्रेष्ठ परमात्मा और श्रेष्ठ जी परमात्मा रूप वर्ण नाम विशेषण आदि से रहते, जिससे जन्म वृद्धि परिणाम क्षयनाश इन छह विकारों का सर्वथा अभाव है, जिसको सर्वदा केवल है इतना ही कह सकते हैं, जिनको जिनके लिए सर्व प्रसिद्ध है कि वे सर्वत्र है, उनमें समस्त विश्व बसा हुआ है, इसलिए ही विद्वान वसुदेव भगवान वासुदेव कहते हैं। वही द्वितीय जन्म अक्षय व्यय एक रस और है गुणों के अभाव के कारण निर्भय पर बने, वह इन सब व्यक्त कार्य और अत्य कारण जगत के रूप से तथा साक्षी पुरुष और महाकारण काल के स्थित है। यदि परम पुरुष है अव्यक्त और व्यक्त और उसके अनंत स्वरूप है, जिसको स्वरूप करने वाले होने के उसका परम स्वरूप है। इस प्रकार जो प्रधान पुरुष तो काल इन चारों से परे जिसे पंडित जन ही देख पाते हैं वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रधान पुरुष व्यक्त और काल है, ये भगवान विष्णु के रूप पृथक पृथक संसार की उत्पत्ति पालन सार के प्रकाश तथा उत्पादन में कारण है। भगवान विष्णु जो अव्यक्त व्यक्त पुरुष और काल रूप से स्थित है उसे उनके बाल व्रत क्रीड़ा ही समझो, उनमें संयुक्त कारण के सद्गुत कारण शक्ति विशिष्ट और द्वितीय सदा एक रस है, जैसे मुनिजन प्रधान और सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं। वह क्षय रहित है, उसका कोई अन्य आधार भी नहीं है तथा अप्रमेय अज निश्चल शब्द शब्दादि शून्य और उपाधि रहित है, यह अति गुणमय और जगत का कारण है तथा स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति और लय से रहित है, यह संपूर्ण प्रपंच प्रलय काल से और लेकर सृष्टि से आदि तक उनसे व्याप्त था। हे विद्वान शुद्ध के मर्म को जानने वाले प्रतिप्राण ब्रह्मिता परमात्मा गण इसी अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपादक इस निम्नलिखित श्लोक को कहा करते हैं। उस समय पहले काल में न दिन था न रात्रि थी, न आकाश था न पृथ्वी दिन अंधकार था न प्रकाश था और न इनके अतिरिक्त कुछ और भी था, बस सुधादि इंद्रियो बुद्धि आदि का विषय प्रधान और ब्रह्म पुरुष ही था। ओम नमो श्री नारायण विद्मय वासुदेवाय धीमहि तेन तन्न विष्णु प्रचोदयात। बाकी शेष विकल्प